मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक विटामिन डी डेफिशिएंसी। यानी विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है और उनकी कमी से क्या क्या डिजीज जो हमें होते हैं। तो पहले है विटामिन डी में इंट्रोडक्शंस। विटामिन डी में इंट्रोडक्शंस में विटामिन डी जो है फैट सोल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट ये टू फॉर्म में होते हैं हमारे पास, टू फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये कैल्शियम, सेकेंड तो कहते हैं बी टू फोले कैल्शियम दो या विटामिन डी के जो अदर नाम है वो भी है। टू फॉर्म होते हैं ये, एको कैल्शियम एंड कोले कैल्शियम। ये इट इज ए प्रेजेंट इन एनिमल सोर्सेस एंड फूड सोर्सेस एंड ईस्ट के द्वारा हमें बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। मेन जो सोर्स होता है सर यूवी, यूवी में कौन सा, यानी यूवी रेज के द्वारा इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है विटामिन डी को। मोस्ट ऑफ दी कौन सी, यू बी बी अल्ट्रावायलेट बी। नेक्स्ट पे लेते हैं कि जो है विटामिन डी जो हमारी बॉडी के लिए एक सिमिलर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी है, कई अनेक कार्य जो हमारे बॉडी के लिए विटामिन डी करता है। नेक्स्ट लेते हैं इसमें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में है कि कैसे हम जो विटामिन डी को अल्ट्रावायलेट डी के द्वारा सिंथेसाइज करते हैं बॉडी हमारी, तो उसमें सेवन हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हमारे एपिडर्मिस जो लेयर एपिडर्मिस स्किन में जो प्रेजेंट होती है, वे यूवी कौन सी यूवी यूरेट डी अल्ट्रावायलेट डी के द्वारा एक्सपोज होके वे कोले कैल्शियम क्लोर में कन्वर्ट होती है, जो होता है विटामिन डी थ्री। और लीवर में 25 हाइड्रोक्सीलेज जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं लीवर में, से कन्वर्ट लीवर इसको कन्वर्ट करता है कैल्शियम क्लोर में, कैल्शियम क्लोर जिसको कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी कैल्शियम क्लोर। फिर एक्शन करते हैं क्रिया करके जो किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जो प्रेजेंट है कहाँ पे किडनी में, उससे एक्शन करते हैं कैल्शियम ट्रोएल में कन्वर्ट करता है, जिसे कहते हैं 125 बाई हाइड्रोक्सी कैल्शियम क्लोर जो कि एक एक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम ट्रोएल जो कि एक्टिव फॉर्म में, जो कि बॉडी के बॉडी में यूज किया जाता है यूवीबी इन अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं सोर्सेस। सोर्सेस में पहला सोर्सेस जैसे बताया है यूवीबी, यानी अल्ट्रावायलेट के द्वारा विटामिन डी का सिंथेसिस करना स्किन में। नेक्स्ट जो सोर्सेस है एनिमल सोर्सेस है या प्लांट सोर्सेस, या जैसे एनिमल सोर्सेस फिश एक दो एंड फिश, तो ये विटामिन डी के सोर्सेस है जो मुख्य सोर्सेस में आते हैं। नेक्स्ट रहते हैं इसमें हम फंक्शंस में विटामिन डी है। पहला फंक्शन की रहेगा कि ये रेगुलेशन करेगा
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट का ये रेगुलेट करता है और इंक्रीज करता है ये दूसरा फंक्शन इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन यानी इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए और इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ द बाइंडिंग प्रोटीन यानी इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट जो ये करता है माइलिनेशन ऑफ बोन एट लो डोजेज माइनलाइजेशन ऑफ द ऑफ बोन एट लो डोजेस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एट हाई डोजेस एंड इंक्रीज रीऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यानी डिक्रीज करता है एक्सप्रेशन यानी सीक्रेशन को कैल्शियम और फॉस्फोरस तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं इसमें क्लीनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से जो सिम्टम है छोटे बोलते पहला होता है इसमें जो डिग्री छोड़ते हैं दिक्कत है। सेकेंड ग्रोथ रिटार्डेशन, थर्ड बॉडी डिफॉर्मिटी, ये हो गए जो विटामिन डी कमी से जनरेट में। नेक्स्ट होता है तो ये विटामिन बी डेफिशिएंसी यानी विटामिन बी की कमी के कारण जो विटामिन सी है उसमें होता है पहला रिकेट्स, ग्रोथ रिडक्शन, बोन इनफर्मिटी एंड मस्कुलर हाइपरटोनिया एंड ऑस्टियोप्लेसिया। पहले देखे हम रिकेट्स जो कि कभी क्लास में लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको विटामिन ए के प्रोटेक्शन केमिस्ट्री सोर्सेज एंड फंक्शन एंड क्लीनिंग मेशन बताया। कल की क्लास में हम रिकेट्स लेंगे जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है डिसऑर्डर है। थैंक यू एवरीवन।